प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की महिला विधायक के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। सावित्री मित्रा मालदा जिले के मानिकचक की विधायक है और पूर्व में बंगाल की मंत्री रह चुकी है। बता दें कि कथित वीडियो सामने आने के बाद पार्टी की वरिष्ठ नेता अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में भाजपा की 6 महिला विधायकों ने सावित्री मित्रा के खिलाफ हारे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। पॉल ने कहा कि देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि पुलिस हमारी भावनाओं का संज्ञान लेगी और महिला विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछले अनुभव से जानते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मालदा जिले की तृणमूल विधायक सावित्री मित्रा कह रही है कि गुजरातियों का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। साथ ही पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह की तुलना दुर्योधन और दुशासन से करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का महिलाओं के वस्त्र हरण के सिवा कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरातियों ने भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में अधीन रखने के इरादे से अंग्रेजों को हथियार दिए और बापू और पटेल की प्रसिद्ध भूमि का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। इस संबंध में जब सावित्री मित्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, गुजरात में रहने वाले नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी, वे अंग्रेजों के पक्ष में थे। मैंने कुछ भी बुरा नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास गांधी जी का अपमान करने की शक्ति नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि गुजरातियों ने हमारा स्वतंत्रता आंदोलन नहीं किया। भाजपा में उन लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। मैंने नाम का जिक्र किया। शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं मैं उसका उत्तर नहीं दूंगी। बता दें कि तृणमूल विधायकों से उनकी बहस छिड़ गई। आखिर में भाजपा विधायक सावित्री मित्रा को निलंबित करने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सवाल किया कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपमान क्या राज्य का विषय नहीं है। दूसरी तरफ सावित्री मित्रा ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा देश की संस्कृति को ध्यान में रखकर कहा था। विरोधी दल के नेता ने उनके बयान की गलत व्याख्या करते हुए ट्वीट किया है। गौरतलब है कि सावित्री ने कहा था कि ममता को स्वप्न रेखा कहने पर वे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को दुर्योधन दुशासन कहेगी। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात का कोई योगदान नहीं होने की भी बात कही थी। वहीं बीजेपी विधायक अग्निमित्रा ने कहा कि सावित्री के नाम पर विभिन्न थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बीजेपी के ही एक और विधायक ने कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ऐसा कहें, इस बात से उनको माफी मांगनी चाहिए। वीडियो डेस्क amaruchala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।